ये सोचा कि भाई देखिए इनकी एक साइंटिफिक अप्रोच भी है जो अपने काव्य विधा के माध्यम से बखूबी उनका निर्वहन किया है। और उस समय 10वीं क्लास में वो मृगशिरा पढ़ाया भी जाता था। इत्तेफाक से जिन कक्षाओं के पठन पाठन से हम लोग संबद्ध थे तो वो अक्सर कहा करते थे भाई तुम्हारा साइंस मैथ किस क्लास में है, किस सेक्शन में है 9th-10th के, तो हम बताते थे सर उसी में हमारी अंग्रेजी रहेगी। ये फ्लैट बिल्डिंग में कक्षाएं चलती थी, अंजनी बाबू सुने होंगे जानते होंगे। इतना पढ़ने पढ़ाने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो विद्यालय स्तर पर होती थी, इस पूरे बरह क्या पूर्वांचल का एक यही बहुत मुखरित उदीयमान शैक्षणिक संस्था श्री सुंदर कॉलेज के रूप में विख्यात थी, उसमें आपका योगदान, तमाम बड़े बड़े नेता अभिनेता बड़े बड़े व्यक्तित्व राष्ट्रीय प्रांतीय लोग आया करते थे और उनमें सब में आप स्वागत गीत का वाचन किया करते थे और काफ़ी प्रतुत्पन्न मति के हिसाब से आपके साहित्यिक विधा की रचनाएं प्रतुत्पन्न मति के हिसाब से हुआ करती थी। तमाम एक पूरे हम तो साहित्यिक विधा के अल्फाज में नहीं जानते हैं लेकिन एक था कि ये है राशन की दुकान और तमाम उसमें दो चार पंक्तियां हैं कि ये नारायण बड़ा से आना उल्लू पोस गवाए गाने गाना अधिक दाम पर बेचा करता अपना घटिया सामान, ये है राशन की दुकान। मैंने उनकी भाव मुझे उसकी सुनिका का रूबरू हर तो नहीं मालूम है किस तरह से होता है। और उस समय ये हमारे गुरु जी लॉजिक तर्कशास्त्र जिसे कहते हैं इन तरह की कक्षाओं का अध्यापन काम करते थे तो फैलसी उसमें हुआ करती थी, धुआं है तो आग है तो धुआं, इस तरह के डिस्कशन भी लंच आवर में जहाँ हम लोग चाय पीने बैठते थे आते थे यहाँ एक राम नरेश जी की दुकान थी वहाँ पर बताते थे। और सानिध्य और पारिवारिक संबंधों की तरह से निर्वहन अपने सहकर्मियों के साथ करते थे। हमें स्मरण है कि पहले हम 1965 में यहाँ अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त हुए तो आप मेन रोड पर वो कमलेश मलिक के पटेदार या उन्हीं के मकान है उसी के ऊपर रहा करते थे। और एक संस्मरण बहुत रोचक हम सुनाते हैं क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे तो कभी ताश वगैरह या शतरंज इस तरह के खेलों का वहीं कभी नाम सुने थे मगर उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो एक हमारे यहाँ स्वर्गीय गणेश मणि त्रिपाठी बैतालपुरी हुआ करते थे तो हम लोग आते थे तो पहले चाय हुए कई दौर चाय मिलती थी तो हम कहा चला जाए तो बहुत जोर से डांटे है तुम कुछ आता होता है नहीं, न ताश जानते हो और न शतरंज जानते हो, जाओ और नहीं तो दूसरे को ही डिस्टर्ब करते हो उसको भी लाने के लिए खाते हो। तो हमको ये बड़ा आघात पहुंचा हमारे हृदय पर कि तीन तीन लाइन के फॉर्मूले गणित के हों चाहे विज्ञान को ये हम लोग को कंठस्थ है, इसमें कौन सी विधा है जो हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और इस तरह हिलाने का मतलब बंदर सा आ जाता है और उसको कहते हैं तुम्हारा तो गरीब पूरा नहीं होगा, इस तरह के डायलॉग वगैरह थे। डीएम पांडे स्वर्गीय डायरेक्टर थे और राजनारायण पाठक स्वर्गीय ये दोनों आदमी डायरेक्टर हुआ करते थे, जयपाल सिंह थे। तो तमाम ऐसी जो रचनाएं रूपक उपमा उपमेय के माध्यम से इन्होंने सृजित किया है जैसे एक अरस के गुहर जिसकी वर्ड है उर्दू मिश्रित है उसकी वर्तनी वो हिंदी में है। तो क्या रूपक और क्या उपमा क्या उपमेय का अंदाजा, हम लोग तो साहित्यिक विधा के आदमी नहीं थे लेकिन थोड़ा उसमें रुचि आती थी जब पढ़ते थे। तो एक हमको थोड़ा सा स्मरण है कि आम की साख पर लग गई मोजरें और हवाएं नशा पी के कहने लगी
आबरू, चमन की आबरू अब तेरे हाथ है, मोजरे एवं की कोड़ों से कहने। तो कहने का संदर्भ जो भी रहा उनका, लेकिन इसमें बहुत मल्टीपर्पज मीनिंग्स है। बहुत राजनीति चाहिए, चाहे भोजपुरी में था कि जब एक घूटा बछलुआ बना गए बा, उन चौले से का भर आए के बा, तुलके फेंक दी के का हो जाए, फिर वही में बड़ा बनाए। विवेकहीन पशु का चित्रण करके जो आज उच्च कोट के जो पॉलिटिकल गेम विनर चाहे किसी भी दल के हों, तो उच्च कोट के जो हो जाते हैं आज के परिवेश में, मैं फुल पॉलिटी नेताओं के बारे में कोई कमेंट नहीं करता, तो उनमें प्राय विवेक का अभाव दिखता है और खूंटे की वर्जिश को नहीं मानते हैं, न दल के पॉस्टुलेट्स को मानते हैं, न राष्ट्रीयता को मानते हैं, न और किसी चीज को मानते हैं, और प्रसन्न रूप से जो प्रशासन और असीमित अधिकार का दंड है उसके सहारे अपना जीवन